नमस्कार, अब हम कक्षा 7 के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ 5 किताबें करती हैं बातें इस पाठ से संबंधित वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1 है, किताबें हमें किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं? किताबें यानी कि पुस्तकें, बुक्स, महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। किताबें हमें ज्ञान विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान यानी कि जानकारी, नॉलेज, विज्ञान यानी कि साइंस, इंग्लिश में साइंस कहते हैं। किसी एक विषय से संबंधित, एक विषय को लेकर इससे संबंधित एक क्रमबद्ध और समग्र रूप में इससे संबंधित नॉलेज, इससे संबंधित जानकारी हमें देना, इस तरह की जानकारी हमें विज्ञान में ही मिलती है। किताबें हमें ज्ञान विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जो जानकारी हमें बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, उस तरह की जानकारी हमें किताबें पढ़ने से मिलती है। किताबें हमें ज्ञान विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। प्रश्न 2, किताबें हमें किन किन अन्य विषयों के बारे में जानकारी देती हैं? किताबें हमें कई विषयों के बारे में जानकारी देती हैं। किताबें हमें देश विदेश के निश्चित समय की सामाजिक व्यवस्था, साहित्य, कृषि व्यवस्था, शरीर ज्ञान, समुद्र तथा उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों के बारे में जानकारी देती है। एक एक शब्द हम अब पढ़ते हैं। किताबें हमें देश विदेश के निश्चित समय की, यानी कि हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी, एक निश्चित, एक पर्टिकुलर पीरियड की, निश्चित समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय से संबंधित समाज और उस समाज के परिस्थितियां, सामाजिक व्यवस्था, समाज यानी कि सोसाइटी सिस्टम इन द पर्टिकुलर सोसाइटी, साहित्य उस समय से संबंधित कवियों और उनसे लिखा हुआ ग्रंथों के बारे में, साहित्य लिटरेचर, और कृषि व्यवस्था, कृषि यानी कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चरल सिस्टम, कृषि व्यवस्था, शरीर ज्ञान, शरीर के बारे में ज्ञान, शरीर से संबंधित जानकारी, समुद्र तथा उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों के बारे में, समुद्र ओशन सागर, समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में, और कीमती चीजें जैसे मोतियां उनके बारे में हमें जानकारी किताबें देती हैं। वैसे मैं पढ़ती हूँ, अब देखिए, किताबें हमें देश विदेश के निश्चित समय की सामाजिक व्यवस्था, साहित्य, कृषि व्यवस्था, शरीर ज्ञान, समुद्र तथा उसमें छिपे अनगिनत रहस्यों के बारे में जानकारी देती है। प्रश्न 3, किताबों को प्रिय मित्र क्यों कहा गया है? किताबों को प्रिय मित्र कहा गया है। प्रिय मित्र यानी कि एक अच्छा सा दोस्त, मित्र, डियरेस्ट फ्रेंड। किताबों को प्रिय मित्र क्यों कहा गया है? जिस प्रकार एक प्रिय मित्र अपने विचार, अपने मन में छिपे राज हमें बताता है, एक प्रिय मित्र क्या करता है, अपने सोच और विचार हमसे शेयर करता है, बांट देता है, और अपने मन में जो सीक्रेट्स हैं, जो राज, जो रहस्य हैं, हमें बताता है। ओके, मित्र क्या करता है, अपने विचार और अपने राज हमें बताता है, और समय समय पर उचित मार्गदर्शन करता है, हमेशा समय समय पर यानी कि सदा हमेशा क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। अगर हम सन्मार्ग में नहीं है
तो हमें सन्मार्ग में लाने का कष्ट उठाता है, सुझाव देता है और हमें सन्मार्ग में लाने का कष्ट उठाता है, मार्गदर्शन करता है। ओके, ठीक उसी प्रकार किताबें भी अपने में छिपे अथाह ज्ञान को, डीपेस्ट नॉलेज, अथाह ज्ञान, गहरा जानकारी को हमसे बांटना चाहती हैं। किताबें पढ़ने से उन किताबों में हमें बहुत जानकारी, आवश्यक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। एक बार और इस आंसर को पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रश्न पढ़ते हैं, किताबों को प्रिय मित्र क्यों कहा गया है? जिस प्रकार एक प्रिय मित्र अपने विचार, अपने मन में छिपे राज हमें बताता है, हमारा समय समय पर उचित मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार किताबें भी अपने में छिपे अथाह ज्ञान को हमसे बांटना चाहती हैं। प्रश्न चार, किताबें हमसे किस किस की बातें करती हैं? किताबें पढ़ने से हमें किस तरह की विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? किताबें हमसे अतीत की बातें, अतीत समय जो बीत गया है, वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, उसके बारे में, विश्व दुनिया के बारे में तथा सभी विषयों की, विषय यानी कि एक सब्जेक्ट, सभी विषयों की बातें करती है। किताबें हमसे अतीत, वर्तमान, विश्व की तथा सभी विषयों की बातें करती है। प्रश्न पांच, अन्न अन्य इन संश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। संश्रुति भिन्नार्थक का मतलब क्या है? हम उच्चारण करते समय जब हम सुनते हैं तो समान लगते हैं पर अर्थ भिन्न होता है, इन्हें हम संश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो हमें अन्न और अन्य इन शब्दों का अर्थ जानना है। अन्न यानी कि अनाज, अन्य दूसरा लिखते हैं, अन्न। अनाज अन्य दूसरा, अन्न अनाज अन्य दूसरा, अनाज यानी कि ग्रेन्स, दूसरा अदर्स। प्रश्न छह, वात बात इन संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। वात का मतलब है हवा, बात विचार। प्रश्न सात, समाज शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। समाज शब्द को सोसाइटी कहते हैं, SOCIETY। प्रश्न आठ है, ज्ञान शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। ज्ञान शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। ज्ञान शब्द को हम नॉलेज कहते हैं। KNOWLEDGE नॉलेज, ज्ञान शब्द का अंग्रेजी अर्थ है नॉलेज। इसके साथ वर्कशीट समाप्त होता है। धन्यवाद।